हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक। और जैसा कि मैंने पहले ब्लॉग में डाला था कि हमने अपने घर पे गणेश चतुर्थी को गणेश जी विराजमान किए हुए थे, तो आज पूरे 7 दिनों के बाद उनका विसर्जन करने जाना है। तो बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि गणेश जी 7 दिनों तक हमारे घर पे रहे। वैसे तो हमेशा ही साथ में ही रहते हैं, लेकिन जो ये हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, उसके लिए आज हम लोग विसर्जन करने जा रहे हैं। आप लोगों को हम पूरा ब्लॉग दिखाएंगे, हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और पास में गंग नहर है मुरादनगर में, जो कि सीधी गंगा जी से आती है हरिद्वार से, वहाँ पे हम लोग विसर्जन करेंगे। आप लोगों को पूरा ब्लॉग दिखाते रहिए। आप लोग प्लीज़ ब्लॉग गणपति बप्पा मोरिया। अगले वर्ष तू जल्दी आना। 1 2 3 4 हम जरूर जाओगे। गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा गणपति बप्पा मंगल मुहूर्त अबकी बरस निकाल रहा है।
चप्पल है तुम लोगों की दोनों और हाँ आ रहे हो चलो बाबू इधर आओ वहां पीछे चलो पीछे मम्मी ना ना तो अम्मा इधर से आ यहाँ पे भी वो नहीं है नीचे जाना पड़ेगा आराम आराम से साइड से आओ नहीं नहीं माता जाती पार्वती पितामहा माता जाती पार्वती पितामहा आराम से डुबकी लगा लो तीन बार और हम लोग पहुंच गए हैं घाट पर और यहाँ पर भी हमको मिल गए गणपति बप्पा और यहाँ से होता है घाट का स्वागत लोग यहाँ पे स्नान करेंगे क्योंकि हमने बहते हुए पानी में पहले ही गणपति बप्पा को विसर्जित कर दिया है और यहाँ पे नहाने की व्यवस्था है अच्छी और चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं तो अब लोग हम सारे लोग अब यहाँ पे स्नान करेंगे चलो
ले हो गया नहा लिया। माई यहाँ देखो, माई यहाँ देखो इधर। देखो वहां जा रही है ये, बह जाएंगी। और ये देखो खुशबू और मम्मी दोनों डुबकी लगा रही है। नब्बू अपना अलग से एंजॉय कर रहा है। और यहाँ पर पहले घाट था, अच्छी तरीके से हरिद्वार जैसा बना रखा था, लेकिन पता नहीं किसी कारण तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर हर तरीके से सिक्योरिटी है, अगर कोई डूब जाता है तो उसके लिए देखो ये NDRF की नाव चल रही है, जो कि डूबने वालों को बचाती है। और यहाँ पे जितने भी विसर्जन करने वाले हैं सारे लोग आ रहे हैं, जो हरिद्वार नहीं जा पाते टाइम की वजह से। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, काफ़ी भीड़ है। ये NDRF वाले लोग हैं जो कि लोगों को समझा रहे हैं कि अंदर ना आए, क्योंकि पानी बहुत गहरा है, लगभग 10 फुट की गहराई है यहाँ पर। तो जो बैरिकेडिंग बना रही है उसके अंदर ही बोल रहे हैं नहाने के लिए। मिली हमें नवजम का डुप्लीकेट, नवजम जैसा है।